अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। पापा, पापा, पापा मेरा यकीन करो, आप जैसा सोच रहे हो अर्जुन वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे खुश रखेगा। रेहा बेटा, जब मैंने उससे कुछ सवाल किए उसका बर्ताव बड़ा अलग सा था। ऐसा लगा जैसे अर्जुन अर्जुन नहीं कोई और था। रेहा बेटा, वो लड़का तुम्हारा पति बनने लायक नहीं है। जीत छोड़ दो और मेरी बात मानो। नहीं पापा, आप उसे गलत समझ रहे हो। हम सबको मूड स्विंग्स होते हैं, उसे कभी कभी ऐसे हो जाता है। आप उसे पहचान नहीं पाए पापा। रिया, अपनी पापा की बात मान लो बेटा, अर्जुन को पहचानने में तुम गलती कर रही हो। माँ, मेरा मन कहता है मैं सही हूँ। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं अर्जुन के साथ ही करूंगी। ठीक है बेटा, जब तुमने आखिरी फैसला ले लिया है तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। अगर तुमने उस अर्जुन के साथ शादी की ना, तो समझ लेना तुम हमारे लिए मर गए। उसके बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, समझे? पापा, पापा, मैं जानती हूँ पापा, आप गलत हो। जब भी कोई लव मैरिज करता है तो परिवार उसके खिलाफ जाता है, फिर कुछ दिनों बाद मान जाते हैं। मैं अर्जुन से शादी भी कर लूंगी और आपको मना भी लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। इतनी देर क्यों लगा दी? आओ बैठो, जल्दी बैठो, सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे हम। इतनी देर क्यों लगा दी? अर्जुन, पहली बार घर से भाग रही हूँ ना, सबके सोने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, पर अर्जुन, हम लोग तुम्हारे मम्मी और बहन को छोड़कर अलग रह रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें लगेगा कि मैंने परिवार तोड़ा। अरे उन्हें बुरा लग चुका है ऑलरेडी, अब कोई नहीं, थोड़ा वक्त दो। अब तुम्हारी मम्मी पापा को भी तो बुरा लगा होगा। सब ठीक हो जाए, सबके गिले शिकवे दूर कर देंगे। हाँ, उन्हें साथ रहने बुलाते हैं कुछ दिनों के बाद। ये तुम्हारा नया घर कैसा लगा? तुम खुश तो हो ना? बहुत, बस अब मम्मी पापा भी मान जाए। अरे मान जाएंगे, इसमें चिंता वाली क्या बात है, मैं हूं ना।
तुम्हारी मांग खाली अच्छी नहीं लग रही, इसे भर देता हूं। ये हमारे बेटे का घर है, तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों तकलीफ होगी माँ? तो खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही है? सारा सामान उठा और अंदर ले ले। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? माँ लगता है भाभी खुश नहीं हमारे यहाँ आने से। अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने तो अर्जुन को बोला था आपको यहाँ बुला ले। बस बस अपनी बातें मत बना, वो बैग इधर रख और बाकी का सामान अंदर ले आ। माँ इसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है, इसने मेरी बेटी को दूर करने की कोशिश की है। सबका हिसाब होगा माँ, घर तोड़ने की क्या सजा होती है ना, ये इसी के घर रह के हम इसे सबक सिखाएंगे। नहीं नहीं, तुम अपने भैया को चुड़ैल की जगह जंगल से निकालना होगा और अपने हाथ में लेना होगा। तब से ही होगा माँ, आज इस कहानी में खत्म और अमावस की काली रातें शुरू। भाभी पानी मिलेगा कि नहीं? भाभी इतना नमक? नमक? नमक तो सही है, मैंने खुद चखा था। हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। एक तो है नमक दाल के अंदर। ये लो भाई ये चखो। मैं बहुत तेज नमक है क्या भाभी? सबकी दाल में बराबर नमक है, बस मेरी दाल में ज्यादा नमक है, ऐसे क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि यहाँ हम रहने आए हैं और आपको पसंद नहीं हम यहाँ रुके हुए हैं, इसलिए अब हमें परेशान कर रही है। अब चल बेटा यहाँ से चलते हैं, इन सारी घिनौनी हरकतों से दूर। हाँ चलो मम्मी। कोई कहीं नहीं जाएगा। सॉरी गुलू। क्या? सॉरी बोलो। पर अर्जुन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेटा रहने दे बेटा, नहीं तो ये बोलेगी कि पति पत्नी में झगड़ा करा दिया सास ने। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं। सॉरी बोलो रिहा। अर्जुन पर मैंने कुछ नहीं किया। प्यार से नहीं गुस्से से पेश आना पड़ेगा तुम्हारे साथ। दर्द नहीं है, याद है, याद। एक याद रखना, किस घर के अंदर मैं जो बोलूंगा मेरे घर वाले जो बोलेंगे,
वही होगा। हाँ याद है। मेरा पैर। बोल सॉरी बोल। सॉरी बोल। बोल। सॉरी सॉरी। ये नौटंकी नहीं करती तो ये नौबत ही नहीं आती, पहले ही सॉरी बोल देती। हाँ भाभी, जब सॉरी बोलना ही था तो इतने नखरे क्यों किए? शादी से पहले अर्जुन ने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। ये अचानक उसे क्या हो गया है? घर जाने से भी डर लग रहा है। हेलो माँ। रिया कैसे हो बेटा? मैं ठीक नहीं हूँ माँ। क्या हुआ? अर्जुन बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। मतलब? सॉरी बोल। बोल। सॉरी सॉरी। बेटा तुम्हें तुम्हारे पापा ने पहले ही बोला था कि ये लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तब तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हारे पापा के साथ भी कुछ नहीं बोल सकती। अगर उनको पता चला कि मैं और तुम बात कर रहे हैं तो शामत आ जाएगी। माँ मुझे आपसे मिलना है। बेटा चाहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ, पापा आते ही होंगे। आज के दिन की तो शुरुआत अच्छी होगी, शाम इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। मतलब आज हम शाम में सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। वो भी वो खाना नहीं, भाई के जूते खाएंगी। जूते बाहर तो चली गई है पर घर की चाबी यही छोड़ गई है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मोनिथा को लगा के देखती। ये भी नहीं उठा रही। अर्जुन को लगाऊं क्या? लगा लेती हूँ।
ये देखो यहाँ बैठ के सीढ़ियों पे हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। आते जाते लोगों ने देखा होगा इसको। अब रिया, ए, रिया, 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 यहाँ क्यों बैठी है? वो चाबी नहीं थी मेरे पास। अर्जुन शराब पीकर आए। चाबी नहीं थी तुम्हारे पास? बेटा यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, घर अंदर चल के बात करते हैं। चल अंदर जा, चल चल अंदर चल चल। बाहर क्यों बैठी थी? इधर इधर खड़ी हो। बाहर क्यों बैठी थी? चाबी नहीं थी मेरे पास। माँ और मोनिता घर पे ही थे, तो मैंने सोचा घर आऊंगी तो वो दरवाजा खोल देंगे। तो फोन कर लेती? किया था तुमको, बहुत कॉल किया पर तुमने उठाया ही नहीं। तो मम्मी और मोनिता को कर लेती? इन्हें भी किया था। मुझे मुझे कब किया था कॉल? हाँ झूठी, हमें भी कोई फोन नहीं आया। और अगर फोन आता तो हम फोन उठाते ना तुम्हारा। और सच को हमें और भैया को ही फोन किया था या किसी और के साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी? हाँ बेटा मोनिता सच बोल रही है, ये जरूर किसी से मीठी मीठी बातें कर रही होगी फोन पर। सुनिता मुझे कॉल कर रही थी या किसी और को? हाँ किसे पता भैया, कुलचर उड़ा रही होंगी किसी के साथ। थक गई होंगी और सीढ़ी पे आके बैठ गई। सच बोल रही हूँ, शाम को आई थी और बाहर बैठी थी क्योंकि चाबी नहीं थी। सच बता, कहाँ थी और कितने बजे आई? सच बोल रही हूँ। सच बोल। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक रुक तेरे से सच निकलवाता हूँ मैं। सच छोड़ दो, नहीं बेबी, चलो। मुझे दर्द हो रहा है। चलोगी यार? चलो चल। सही मौका है।
ये कैसे जल गया? क्या किया ये भाभी? मेरा दुपट्टा जला दिया, हे भगवान! अरे ये क्या कर दिया? ये देखो ना माँ, दुपट्टा जला दिया मेरा। भाई ने दिया था राखी पे मुझे। तू चिंता मत कर बेटा, भैया तेरे शाम को आएंगे, तब उनसे बात करेंगे, ठीक है? आज हम 21वीं सदी में हैं, जहां हम विकास की चरम सीमा को पहुंचने की बातें कर रहे हैं, छूने की बातें कर रहे हैं। तो क्या औरत की जिंदगी में विकास नहीं होना चाहिए? आज की इस सदी में भी औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर बंदिशें लगाई जा रही है। क्या इनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? क्या घरेलू हिंसाओं से औरतों को कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा? रिया एक प्रतीक है उन औरतों का जिन पर अत्याचार होता है, और अर्जुन उनका जो औरतों पर अत्याचार करते हैं। उस शाम को भी वही हुआ। इस अत्याचार ने रिया की जिंदगी से मानो सारी खुशियां छीन ली। जो सपने देखकर वो इस घर में आई थी, वो सारे सपने टूटकर बिखर गए। रिया को अपनी जिंदगी मनहूस लग रही थी, जबकि उसकी ननंद और सास खुद उसे मनहूस ठहरा रही थी। इसमें मेरा क्या दोष? तेरा नहीं तो किसका दोष होगा? सब तेरी वजह से हो रहा है ये। मेरी वजह से? हाँ, मनहूस है तू। तेरी मनहूसियत की वजह से मेरे बेटे की जॉब चली गई, वरना क्या खामी है मेरे बेटे में? हाँ नहीं तो, भाई हमेशा टॉप करता था स्कूल और कॉलेज में। इनफैक्ट पता है, उसे बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब भी मिला था 2 साल पहले। 2 साल बीत गए हैं इस बात को। चुप मनहूस। मैं मनहूस? जॉब पर शराब पी के जाए आपका बेटा, और मनहूस मैं? मनहूस तो मेरी जिंदगी हो गई है जब से मैंने इससे शादी की है। ना एक पल सुख का मिला, ना चैन का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने सोचा था अब मेरी शादी हो गई है तो अब मेरी जिंदगी खुशी भरी होगी। खुशी तो दूर की बात है, एक पल मुस्कुराहट का भूल गई हूँ मैं। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे से शादी करके तुम्हारी जिंदगी मनहूस हो गई है? हाँ। हाँ? ऊपर से हाँ भी बोल रही हो? तुम्हें तो ना धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए इस घर के। के मार के बाहर निकाल दिया इसे तो सजा कैसे मिलेगी इसे? इसे कमरे के अंदर बंद कर सजा मिलनी चाहिए। समूह बंद करो पहले। चिल्ला मत। क्यों जीनी है ऐसी जिंदगी? उससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, खत्म कर लूं खुद को। भगवान, इस जन्म में मेरे हिस्से का सुख बाकी सबको बांट चुके हो। अगली बार कुछ पलों का, बस कुछ पलों का सुख दे देना मेरे हिस्से में।
प्यासी रिया ना जी सकती थी और ना ही मर सकती थी। उसने भगवान से उसके अगले जन्म के कुछ पल भीख में मांगे। शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली और जल्द ही उसे वो पल दिए। जिस स्कूल में रिया पढ़ाती थी वहां एक न्यू जॉइनी सर्वेश आया और सर्वेश की वजह से रिया के होठों पर जो मुस्कुराहट गायब हो गई थी वो फिर से लौट कर आई। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, अच्छे दोस्त भी बन गए। तो वही दूसरी तरफ सर्वेश भी अपनी निजी जिंदगी से बहुत परेशान था। अपनी शक्की बीवी से अलग होकर वो यहाँ आया था। जो दुख रिया घर में सहती थी स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वेश की वजह से वो सुख में बदल जाता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिया की जिंदगी में सर्वेश खुशी का झोंका लेकर आया था। बस जिंदगी यूं ही चल रही थी। स्कूल में तो वो बहुत खुश रहती थी लेकिन घर जाने के बाद अर्जुन के हिंसा का शिकार हो जाती थी। लेकिन एक दिन रिया की ननंद के हाथ रिया का फोन लगा। मिस कॉल्स, इतने कॉल कौन कर रहा है? देखना पड़ेगा। अरे जब इतना दर्द है तो चलकर क्यों जा रही हो? चलो, I will drop you. I'm okay. मैं चली जाऊँ। अरे चले तो सभी जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। चलो बैठो। अरे बैठो। ठीक है। अरे it's okay. Be comfortable. चलो।
जाओ। कहाँ थी तुम इतने दिन से? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जाना है। अरे बताओ क्या हुआ ये सब? कहा ना मुझे जाना है। काफी टाइम हो गया है इसे, आई क्यों नहीं अब तक? आ जाएगी, टाइम वाइन करी होगी 8 मिनट। देखो रिया, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, बस इसी कारण से तुमसे पूछ रहा हूँ। प्लीज रिया बताओ कि ये हुआ क्या है। अरे बताओ ना। देखो तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारा कलीग हूँ। रिया प्लीज बता। अरे रिया बोलो प्लीज। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ। चलो कम चलो। लो पानी पियो। सर्वेश कुछ भी ठीक नहीं है, नरक से भी बुरी हालत में जी रही हूँ मैं। शॉपिंग भी जाना है मम्मी। हाँ उसकी सैलरी आएगी तो ना शॉपिंग जाएगी। तू जा देख के। हाँ मैं आती हूँ देख के। इतने टाइम से तुम इतना कुछ सहन कर रही, तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इवन तुमने कभी मुझे एहसास तक नहीं होने दिया। एटलीस्ट एक बात तो बताती, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अब कैसे भी करके तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा। कैसे? अरे छोड़ दो उसे, आजाद हो जाओ। देखो रे, मर मर के जीने से अच्छा है या तो सच में एक बार मर जाओ या इन सभी को छोड़कर अपनी जिंदगी जियो। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी बीवी ने मेरा जीना कितना मुश्किल कर दिया। उसकी शक की वजह से मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो गया। और अब देखो, अब मैं कितना खुश हूँ। तुम लड़की हो सर्वेश, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज कितना भी मॉडर्न बन जाओ फिर भी औरतों के पैरों में इनविजिबल बेड़ियां अब भी हैं। अरे बेड़ियां ही तो है ना, तो तोड़ दो उन बेड़ियों को। कैसे सर्वेश? इट्स इम्पॉसिबल। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले अपने घर से भागी थी। जाऊं कहां? अरे कहीं भी जाओ, अपनी जिंदगी को जियो। इतना आसान नहीं है, कौन देगा मेरा साथ? अरे मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ। इधर है, कब से वेट कर रही हूँ। स्टाफ रूम कहाँ पर है? वहां पर है। मैं करूंगा तुम्हारी मदद। इतना टाइम क्यों लग गया? बस कुछ फाइल्स लेने आई थी। ठीक है चलो। We'll be right back.
मुझे तो पहले ही उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। खुद का तो मुंह काला किया ही, हमारा भी। एक बार उसे हाथ लग जाने दो माँ, फिर देखना मैं क्या आश्रय करता हूँ उसका। क्या कर लोगे तुम? जब साथ में थी तो भागने से रोक नहीं सके, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। माँ, मुझ पे क्या धौंस जमा रहा है? जिस पे धौंस जमाना चाहिए था वो तो भाग गई। माँ, यही बात बार बार बोलकर आप मेरे जख्मों पर नमक मत फेरिए। नमक नहीं, मिर्ची, मिर्ची फेरनी चाहिए तुम्हारे जख्मों पर, नहीं तो तुम भूल जाओगे कि उस कलंकिनी रिया ने क्या घाव दिए थे तुम्हें। माँ, कुछ घाव ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस एक बार मिल जाने दो उसे। वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, अपने घाव उसके खून से भरूंगा मैं। बड़ी हिम्मत दिखाकर एक दिन रिया अर्जुन के चुंगल से भाग निकली अपनी एक नई जिंदगी बसाने के लिए। सर्वेश उसे बेहद प्यार करता था, कई बार रिया से शादी की बात भी उसने की, लेकिन रिया जिस दौर से गुजरी थी अब वो दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और बार बार वो सर्वेश को मना करती रही। वही दूसरी तरफ अर्जुन रिया को ढूंढ रहा था क्योंकि उसके भागने से उसके गुरूर को ठेस पहुंची थी। सर्वेश? हाँ मैं। अच्छा चलो जल्दी उठो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे उठो यार। अरे बाबा ये आओ, मेरे से तो कहाँ। अरे बताता हूँ तुम आओ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे कैसे बता दूँ मैं तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हो? रिया, will you marry me? सर्वेश, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। क्यों? चौंक गए मुझे देखकर? बस चलन तू थी, हाँ? शादी मेरे साथ की और कुल सर्रे इसके साथ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अर्जुन। छोड़ उसका हाथ। शर्म नहीं आई तुम्हें एक शादीशुदा औरत को गुमराह करते हुए? शर्म तुम लोग को आनी चाहिए, मुझे नहीं। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ये सलूक करते हो? तेरे तू कौन है? हाँ मेरी बीवी है वो, तू क्या कर रहे था? चल निकल। ठीक है ना, संभालो उसको, संभालो। ले जाओ अंदर, अंदर ले जाओ। सबक सिखाना पड़ेगा। थॉस को आज इसको ऊपर से नीचे फेंक देता हूं, किस्सा खत्म। फेंक दे। हाथ में लगी। अरे बोरी ना, हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी से उर्वशी सोसाइटी में आइए, यहां पे एक एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया सर।
जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहना। क्या इसमें रिया की क्या गलती थी? क्या खुशी और प्यार चाहना गलत है? ये बात सच है कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन ये सोच भी गलत है कि एक बार बेटी की शादी हो जाए तो उसकी सारी तकलीफें सिर्फ उसकी, हमारी नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी ये सोच रहेगी, सिर्फ रिया ही नहीं, न जाने ऐसी कितनी बेटियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, पर बेटियों को बचाओ भी। रिया जैसी न जाने कितनी लड़कियों को हमें बचाना है, लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। आज का ये एपिसोड देखने के बाद अगर आप एक भी बेटी को बचा लेंगे ना, तो मैं यही समझूंगी कि मैंने और आपने मिलकर बदलाव की एक नींव रखी है। इस बदलाव की अपेक्षा करते हुए मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नए एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।